जैन समाज की प्रशासन से मांग की, संवेद शिखर को पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए। हाथों पर काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन और बस स्टैंड पर किया चक्का जाम। खनिया धाना तहसीलदार ज्ञापन लेने तहसील नहीं पहुंचे तो आक्रोशित जैन समाज के लोगों ने किया खनिया धाना के बस स्टैंड पर चक्का जाम। जैन समाज के लोगों ने लगाए तहसीलदार मुर्दाबाद, तहसीलदार हाय हाय एवं प्रशासन मुर्दाबाद के नारे। जैन समाज के सर्वोत्तम तीर्थ स्थान सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने से रोकने के लिए जैन समाज के लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन व रैली निकाली गई। ये रैली बड़ा जैन मंदिर से प्रारंभ होकर बस स्टैंड होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची, जिसमें जैन समाज के सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष हाथों पर काली पट्टी बांध कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे तथा तहसील कार्यालय पर पहुंचकर प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपने के लिए कार्यालय पहुँचे। वहाँ कई घंटों की प्रतीक्षा के बाद भी खनिया धाना तहसील मुख्यालय होने के बावजूद भी तहसीलदार नहीं पहुँचे तो जैन समाज के लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त हो चुका था, जिसकी वजह से जैन समाज के लोग तहसील से वापस बस स्टैंड पर पहुंचकर प्रमुख रोड पर चक्का जाम कर किया एवं पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रही। जिसके एक घंटे बाद मजबूरन पिछोड़ तहसीलदार को खनिया धाना बस स्टैंड पर प्रदर्शनकारियों के पास आना पड़ा और काफ़ी देर समझाइश के बाद ज्ञापन सौंपा गया व चक्का जाम खोल दिया गया। आंदोलन समिति के सदस्यों ने बताया कि जैन समाज के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र एवं अनंत मुनिराज तीर्थकरों की मोक्ष स्थली सम्मेद शिखर जी को केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन स्थल एवं वन्य जीव पर्यावरण केंद्र घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है, जिसके जरिए सरकार इसे पर्यटन स्थल बनाना चाहती है। जबकि जैन समाज की मांग है कि इस पूरे पर्वत श्रृंखला को पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की गैर धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा न मिले। साथ ही बताया कि इसके विरोध में जैन समाज द्वारा देश में कई स्थानों पर आंदोलन किए जा रहे हैं तथा रविवार को दिल्ली के लाल किला मैदान में भी विशाल रैली और धरना प्रदर्शन चल रहा था। इसी क्रम में सोमवार 19 दिसंबर को खनिया धाना में भी जैन समाज द्वारा विशाल जुलूस निकालकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसके लिए जैन समाज के सैकड़ों की संख्या में जैन समाज के लोग प्रातः 10:30 बजे से बड़ा जैन मंदिर से विशाल विरोध प्रदर्शन रैली निकालकर इस निर्णय का विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन रैली में सभी पुरुष एवं युवा वर्ग सफ़ेद कुर्ता पाजामा में तथा महिलाएं व युवतियां केसरिया वस्त्रों में शामिल हुईं तथा अपने हाथों में तख्ती लेकर व काला रिबन बांधकर सरकार के इस निर्णय का विरोध करके जैन तीर्थ सम्मेद शिखर जी की पवित्रता कायम रखने की मांग की गई। जी का जो तीर्थ स्थल है उसको पर्यटन स्थल घोषित किया, उसके संबंध में विरोध प्रदर्शन ज्ञापन दिया है जैन समाज के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने, तो वही ज्ञापन लेने आया था। और सर ये चक्का मक्का जाम किया उन लोगों ने, आप समय थोड़ा विलम्ब हो गया क्योंकि अच्छा। कोई नहीं पहुंच पाया, उसकी मिसकम्युनिकेशन कहीं हुआ है, सूचना सही समय पर नहीं मिल पाई, तो यहाँ जो तहसीलदार थे वो क्योंकि अन्य इम्पोर्टेंट काम से गए हुए थे, तो मुझे सूचना मिली तो मैं पिछोड़ से आके यहाँ पर ज्ञापन ले लिया। कोई बात नहीं, सभी लोग पसंद। भाई साहब, जो आज धरना प्रदर्शन और ये ज्ञापन का जैन समाज ने जो ज्ञापन के लिए तहसीलदार को दिया है, इसमें आपका आप कुछ बताएं। हाँ जी, ये ज्ञापन जो है पर्यटन स्थल घोषित किया जा रहा है वहाँ पर, उसके विरोध में दिया गया है सरकार के लिए। केंद्र सरकार के माध्यम से ये मांग की गई है कि इसको पर्यटन स्थल घोषित न किया जाए, इसके हम इनके साथ में हैं। और अगर अगर शासन अपना वो नाम दोबारा वापस नहीं लेती तो क्या कार्रवाई रहेगी आप लोगों की ओर से? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना ले, वापस लेना पड़ेगा वापस। क्या स्पष्ट देखा कि शिवराज सिंह सरकार पर कोई अपना कमान नहीं रखते हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम की सूचना पहले 4 दिन पहले थी, आज तहसील कार्यालय पे एक भी कर्मचारी अधिकारी उपस्थित नहीं है, इसकी पीडीओ उपस्थित है, कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं है। क्षेत्र की जनता अपने आवेदन के लिए अपने कार्यक्रम यहाँ फिर रही है, कोई भी यहाँ उनके सुनने वाला नहीं है, न बाबू सीट पर है, न तहसीलदार सीट पर है, न कोई कर्मचारी सीट पर है। मतलब बहुत हल्की बने ना जन समाज को। झारखंड क्षेत्र में हमारे दिगंबरों का एक अति प्राचीन दिगंबर क्षेत्र है, जहाँ से एक नहीं अनंत अनंत परमेष्टि हुए हैं। वह क्षेत्र आज से नहीं अनंत वर्षों से है, लेकिन वर्तमान मोदी सरकार ने उस क्षेत्र को अधिग्रहण करने के लिए जो योजना बनाई है, उस योजना के खिलाफ में हमारे खनिया धाना ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश की जैन समाज एकजुट होकर इस सरकार के विरोध में आंदोलन करने जा रही है। सरकार से प्रसन्नतः हम निवेदन करते हैं कि कृपया इस अध्यादेश को वापस किया जाए, वरना आज हमारा यह शांति जुलूस था और यह शांति जुलूस आगे जा करके उग्र रूप धारण कर जाएगा। अतः निवेदन।
बारंबार यही करते हैं कि कृपया इस आंदोलन को किसी पार्टी पॉलिटिक्स में ना लेकर एक दिगंबर जैन समाज के पक्ष में यह हम लोग बात कहें और हमारे इन क्षेत्र को बचाने के लिए सभी सभी लोग प्रयास करें, यही हमारी भावना है। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका आरओआई 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।